खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। बीएसपी से कांग्रेस में आए विधायकों ने आज पहली बार पीसीसी में आयोजित बैठक में शिरकत की। कुछ दिनों पहले दिल्ली में सभी 6 विधायकों ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था। हालांकि राजेंद्र सिंह गुढ़ा, दीपचंद खैरिया और जोगिंद्र सिंह अवाना पुराने कट्टर कांग्रेसी रहे हैं। 6 विधायकों से संवाददाता योगेश शर्मा ने बातचीत की। बसपा से कांग्रेस में आए विधायक आज पहली बार प्रदेश कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक में पीसीसी में शामिल हुए हैं। राहुल गांधी के दौरे की तैयारियों से जुड़ी ये बैठक रही। सभी 6 विधायक हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात करेंगे। राजेंद्र जी, आज आप तो खैर पहले भी आ चुके हैं बैठक में। 6 साल से निष्कासित था, फिर दोबारा आ गया 6 साल के बाद में। मेरा आज फिर 6 साल के बाद में आना हुआ है। और ये सभी ने, सीएम साहब ने और पायलट साहब ने, सब ने हमारा स्वागत किया है। आज ये हमारे लाखन जी, हमारे संदीप जी, वाजिब जी, जोगिंद्र जी अवाना, उस दीपचंद जी खैरिया, सभी 6 के 6 विधायक यहाँ, और अच्छा लग रहा है इनको। और ये सब की वजह से घर वापसी है। लाखन जी भी हमारे, जोगिंद्र जी भी पहले कांग्रेसी रहे हैं, लाखन जी भी कांग्रेसी रहे हैं। और मैं तो 90 से एक NSUI का प्रदेश उपाध्यक्ष था, मैं तो तीसरी बार फिर घूम घूम के आ गया। मतलब आज अच्छा लग रहा है आपको अपने घर के अंदर, अपनी पार्टी की शादी के बाद में जो नाते वाली सी स्थिति है। क्या देखिए, बहुत अच्छा लगा आज। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने 28 तारीख को जो युवा आक्रोश रैली होने जा रही है, जिसमें हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी आ रहे हैं, उसका सभी पूरे जो विधायक साथी हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो पदाधिकारी हैं और जो पूर्व में प्रत्याशी लोकसभा और विधानसभा के रहे हैं, सभी को एक टारगेट दिया है इस रैली को सफल बनाने के लिए। हम सब लोग, हमारे सबके नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी यहाँ आ रहे हैं 28 तारीख को युवा आक्रोश रैली में। हम सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और बड़ी तादाद में हम सभी साथी लोगों को लेके आएंगे, अपने कार्यकर्ताओं को लेके आएंगे। अजीत जी, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा आज प्रदेश कार्यालय की मीटिंग अटेंड की। जिस परिवार में हम हैं, उस परिवार की जो जिम्मेदारियां हैं वो भी आज हमें मिली हैं कि युवा आक्रोश रैली को मजबूती से कामयाब बनाना है। पूरे देश में जिस तरीके से केंद्र सरकार तानाशाही कानून लागू कर रही है, उसके खिलाफ युवा को रोड पर आने की ज़रूरत है, अपने हक की आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। उसके तहत हम लोग मजबूती से रैली को सफल बनाएंगे और एक मजबूत राजस्थान से ये आह्वान चलेगा। संदीप जी, अतीत कांग्रेस ही नहीं रहा आपका, लेकिन आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आप आए, बैठक में हिस्सा ले रहे हैं और कांग्रेस के विधायक के नाते ले रहे हैं। अभी हम कांग्रेस परिवार के सदस्य हैं और आज पीसीसी में जो मीटिंग हुई है, उसमें जो हमें निर्देश दिया है उसकी पालना करेंगे। पिछले दिनों भी पार्टी के जो जो कार्यक्रम रहे, हम सभी साथी लोग बढ़ चढ़ कर हमने भाग लिया है। चाहे शांति मार्च का कार्यक्रम हो, या फिर स्थापना दिवस का हो, या दिल्ली रैली का मामला हो, सब जगह हम सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर काम किया है। और अब हम परिवार के साथ है, आदरणीय अशोक गहलोत जी और पायलट साहब के नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर अच्छी संख्या में हम राहुल गांधी जी की रैली में लोगों को लेकर आएंगे। लखन जी, आप विधायक दल के नेता रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा में, आज आप कांग्रेस पार्टी में आ गए, प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आप आए हैं और बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, और पहली बार आप विधायक बनने के बाद आज पीसीसी में आपकी एंट्री हुई है, क्या सोच है? एक ऐसा कार्यालय जो बरसों से यहाँ काबिज है और एक इतिहास एक कार्यालय भी कहा जाता है इसको। हम पहली बार यहाँ पर आने से हमें बड़ी खुशी हुई है, अच्छा लग रहा है। और पहले भी हम, जब से विधायक बने हैं, हमने पार्टी का साथ दिया, बीएसपी पार्टी ने के रूप में हमने पार्टी का साथ दिया। और जो भी कार्यक्रम हुए, चाहे दिल्ली का हो, स्थापना दिवस हो, जो भी रैली हैं, हम सभी साथियों ने बढ़ चढ़ कर काम किया है। और इस रैली को, युवा आक्रोश रैली को भी हम बढ़ चढ़ कर संख्या लाएंगे। अभी 6 बसपा के विधायक तो कांग्रेस में आ चुके हैं, आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में बैठक में शामिल हुए हैं और राहुल गांधी की रैली को सफल बनाने में अपना पुरजोर प्रयास करेंगे। कैमरा जर्नलिस्ट रामनिवास गुर्जर और सोहन मीणा के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।